राम की तरफ प्रस्थान हो रहा हमारा। श्याम प्यारी की सिंधु बॉर्डर पे सिंधु इंडिया में
बॉर्डर था, अब हम हरियाणा में घुस चुके हैं। ये और हरियाणा में घुस गए। अच्छा, ये जो फ्लाइंग ओवर था ये बॉर्डर है। और इसमें एक आदमी और बढ़ गई हमारे को। बाल किशन जी कहाँ बिजी है। बाबा श्याम का मामला तुलकाना धाम, ये तुलकान ऋषि की तपोस्थली भूमि, यहाँ पर मेरे प्यारे बाबा ने शीश का दान दिया था और महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने बीच में रोक लिया था उनको। और ये कहा था, क्योंकि बाबा साहब की उम्र उस समय मात्र 14 वर्ष की थी, कहने लगे बच्चा कहाँ जा रहा है 3 वाहन लेकर के। बाबा साहब ने कहा कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ, भगवान कृष्ण का नाम ही छलिया है, अगर हम अगर देखें तो गहराई से जो जितना भी छल कपट है, क्योंकि वर्तमान युग में अगर आपको जीना है तो पीपल का पेड़ था चुनकाना में, यहाँ से पुरछोत्र की भूमि लगभग 100 किलोमीटर दूर आगे है, और बीच में बाबा की परीक्षा ली और कहने लगे पीपल का पेड़ है, इसमें हर पत्ते को बेद दो, एक पत्ता पैर के नीचे दबा लिया और बाबा ने परवरी साहब ने बाण चलाया, सारे पत्तों को भेद कर वो बाण वापस आ गया और पैर से आगे रुक गया और कहने लगे ब्राह्मण देव पैर हटाओ, और जैसे ही उन्होंने पैर हटाया तो उसको भेद के वो तर्कस में बाण दोबारा चला गया और फिर कृष्ण भगवान ने फिर छल किया और उनका शीश जो है मांग लिया। युद्ध क्षेत्र की जो भूमि है वो एक बलिदान मांगती है और यहाँ 3 बलिदानी है, 3 वीर है, अर्जुन मैं और आप, और सबसे ज्यादा आप ही, और इसलिए जो है बाबा श्याम का सिर उन्होंने मांग लिया और तभी से बाबा को एक वरदान दिया जा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। श्याम बाबा पे जा रहे हैं और शीश के दानी की जहाँ हम चल रहे हैं चुलकाना धाम, वहाँ के बारे में जो है पूरी डिटेल धनी राम ने जी ने बताई है, पूरा उनका परिवार बैठा हुआ है और हमारी गाड़ी जो फर्राटेदार पड़ रही इसको रंजीत चला रहे हैं, जो बड़े सावधानी से और जो है चलते हैं चुलकाना धाम, अभी थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं। इससे पहले बहुत सारे ढाबे पड़ रहे हैं यहाँ पर, जो है अभी जो है जहाज वाला ढाबा जिसमें कि जहाज में बैठ करके जो भोजन करते हैं उसको भी मैं दिखाऊंगा और बहुत सारे ढाबे पड़ेंगे, तो चलते हैं देखते हैं आगे कहाँ पर वो ढाबे पड़ते हैं। बस अभी जो है एरोप्लेन ढाबा और आहूजा ढाबा, ये हवाई जहाज ढाबा, देखिए इसमें आप अगर खाना खाएं तो ये पूरा हवाई जहाज का ही आनंद आएगा। यहाँ पर देखिए ये 2 हवाई जहाज खड़े हैं यहाँ पर जो है, और इसी में खाना खिलाया जाता है, ये इसको हवाई जहाज ढाबा है। अब इसके बाद अभी चलेंगे हम जो ये है गरम ढाबा पे आ गए हम लोग। चलो गरम धरम होटल में चल रहे हैं।
और अभी इधर आ ही रहे लोग। ये है, ये बाइस्कोप है, बाइस्कोप। आओ, ये देखो बाइस्कोप है, है? आओ, बाइस। आ जाओ अंदर। ऐसे हैं? तो गरम गरम ढाबे में कितने बार आ चुके हो? हम तो कम से कम बहुत बार आ गए, मतलब 10-15 बार से ऊपर हो गया। हम तो, हाँ हम तो आते ही रहते हैं, हर संडे को ही हमारा तो चक्कर लगता। हाँ, चुरकाना से पहले मास्टर जी हमारे हैं, इनके साथ यहाँ पे आते हैं, ये फोटो वोटो खिंचवाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। हम लोग सब लोग चुरकाना धाम बाबा के यहाँ जाते हैं, यहीं से खोते हुए। जो फिल्मों में शूटिंग होती है वही मॉडल रखे हुए हैं, जो इधर जीप है वो, हाँ फिल्म के जो है, आओ उसके फोटो खिंचाओ, बैठो बुलेट भी वो तो बैठ के पानी वाला, लेकिन देखने वाली ये सब चीज है। हाँ, बारिश संगी यहाँ आए, पहली बार आए हो यहाँ पर? हाँ, मैं पहली बार ही आया हूँ। कैसा लग रहा है? आ जाओ, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। यहाँ यार मास्टर जी, तुम जो ना, हाँ धर्मवीर फिल्म का ये वो चित्र है। हाँ नहीं, मैंने देखी है, देखी है, हाँ देखी है। हाँ हाँ बिल्कुल, स्वयं वही सीन है। एक वो शोले फिल्म का सीन जो है, शोले फिल्म की शूटिंग का जो है उसका चित्र है धर्मेंद्र का। इसी से कहा था कि उन्होंने कि मौसी अगर जो बसंती नहीं थी, मैं कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो इस तरह से एकदम बिल्कुल कूदने के लिए तैयार था वहां से। ये सीन जो है शोले फिल्म का है, हाँ ये पहचानते हैं। ये इस पे टंकी पे चढ़ के धर्मेंद्र जी बोल रहे थे, मौसी मौसी बसंती बसंती से शादी करा दो, नहीं हुई तो इसी से कूद जाऊंगा, बसंती से हो गई शादी। लेकिन हमारी बसंती तो सामने में है। तुम सबको देख लूंगा, देख लूंगा पूरे। चुरकाना धाम हम लोग पहुंच चुके हैं और ये भीड़ भाड़ देखो दिखाई पड़ रही है सारी, और वहीं पे लोग जा रहे हैं। मैंने वहीं हुई थी ना, और देखो 6 महीने में कितना बदल गया, देख लो, 6 महीने में ही कितना बदल गया ये देख लो। आपको 6 महीने बाद आओगे तो और ज्यादा विस्तार दिखेगा, रोड सब पक्के हो जाए, क्योंकि जहाँ दर्शन हो गए खाटू श्याम बाबा के, चुरकाना धाम है। हाँ
ढाबे पे सब लोग लंच कर चुके, तो हो गया सर लंच? हाँ हो गया। हाँ इधर भी बैठे हैं, हो गया हम लोग, हो गया आप लोगों का? हाँ तो लंच कर चुके हैं सब लोग, करने की तैयारी करेंगे। और हो गया अभी करीब लंच कर। और कहाँ गए सोन साहब, हो गया लंच? तो अब चले फिर हैं चाय? हाँ चाय। और इधर भी देखो लंच करके बैठे हुए हैं सब लोग, हो गया लंच? हो गया बिल्कुल बढ़िया एकदम। मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, खत्म हो गया सब। कोई बात नहीं, अब कर लो, अभी तो निकले नहीं यहाँ से। हम अभी सोचे थे चाय पी के चलते हैं। अच्छा अच्छा, चाय पी चार काम चलाएंगे, कोई बात नहीं। ये सब लोग जो है पूरी टीम जो तीन, हेलो बाबू बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, कैमरे में देखो इसमें बोलो जय श्री श्याम। सोहन साजी हो गया लंच? हाँ सर लास्ट हो गया, लास्ट है, बाबा के दर्शन हो गए, चाय वाय पी के चलो भैया। हेलो, हमने चाय पी ली और पी ली, और क्या खाया है इसमें? इसमें क्या खा रहे? भाई को चले, बोलो भाई, भाई को, भाई को, भाई को, इसमें सब बैठे। ओ मावली, ओके ना खा के चलो, बढ़िया अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, चलो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। शिव गंगा वैष्णो ढाबा से हम लोग चल दिए, हाईवे पे आ गए, गाड़ी हमारी पराठे दान कर ले, और देखो सब लोग बैठ गए। आगे का बर्फी वाला इधर है, हाँ जुरासिक पार्क एक आवाज देखिए बना हुआ है डायनासोर यहाँ पर, और अच्छा इसमें